हेलो लर्नर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1991 में इंडिया में सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस टाइम पीरियड पे काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए गए, इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया, लिबरलाइज किया गया इंटरनली और एक्सटर्नली भी। हम क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बन गए। फॉरेन एंटिटीज की एंट्री को इंडिया में अलाउ किया गया, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया गया। अगर 1947 में इंडिया को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली तो इस बात को कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 1991 में इंडिया को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिली। बहुत सेक्टर में ये रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेजर रिफॉर्म्स हुए। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई, जिसने कि इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में अनेकानेक सुधार किए। इनमें से प्रमुख थे जैसे एमआरटीपी एक्ट को खत्म करके कंपटीशन एक्ट का आना, देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल, फॉरेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया गया। इसके अंतर्गत फेरा को खत्म किया गया और फेमा एक्ट एग्जिस्टेंस में आया। कन्वर्टेबिलिटी जो सिस्टम था, क्लॉज था, वो खत्म किया गया। इसके अंतर्गत क्या था कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडस्ट्रीज को लोन लेते थे, उनके पास वो क्या करते थे कि कुछ टाइम के बाद उस लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते थे और इस तरह से वो कंपनी की मैनेजमेंट में उनकी इंटरफेरेंस हो जाती थी। तो इस तरह की जो क्लॉज थे, इस तरह की जो पॉलिसीज थी, उनको खत्म किया गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो केवल पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व करके रखी गई थी, तो इन इंडस्ट्री को डी रिजर्व किया गया। प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको भी अलाउ किया गया इन इंडस्ट्रीज में। देन जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, जिसको कि लाइसेंस राज कहा जाता था, उसको भी खत्म किया गया। आज का जो हमारा सेशन है वो लाइसेंसिंग सिस्टम पे है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि लाइसेंसिंग सिस्टम या लाइसेंसिंग पॉलिसी थी वो क्या थी, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ गवर्नमेंट इस पॉलिसी को लेके आई, और फिर क्या क्रिटिसिज्म हुए इस पॉलिसी के, और क्यों 1991 में फाइनली जब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई तो इस सिस्टम को, इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या थी। द इंडियन गवर्नमेंट इस्टाब्लिश्ड अ लाइसेंसिंग पॉलिसी इन ऑर्डर टू मेंटेन कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। सो अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, इंडिया में इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो लाइसेंसिंग पॉलिसी लेके आई। अ लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन ग्रांटेड टू एन एंटरप्राइज बाय द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू विच द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, प्रोडक्ट मेंशन्ड देयरिन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एन एंटरप्राइज। सो लाइसेंसिंग क्या था, लाइसेंस जो था वो एक रिटन परमिशन थी गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी एंटरप्राइज को प्रोडक्ट प्रोड्यूस, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो एक परमिशन देती थी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर को, एंटरप्रेन्योर एंड किसी भी एंटरप्राइज को प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसके अलावा लाइसेंस में क्या मेंशन किया जाता था, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो प्रोड्यूस किया जाएगा, उसका नाम क्या होगा, द प्लेस वेयर द फैक्ट्री इज टू बी एस्टैब्लिश्ड, एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइजेस, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये सब चीजें जो थी उस लाइसेंस में मेंशन की जाती थी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइसेंसिंग। अब हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ये लाइसेंसिंग जो पॉलिसी थी वो किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ लेके आई थी। सो द मेन एम ऑफ द लाइसेंसिंग पॉलिसी इज टू रेगुलेट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो एम था इस पॉलिसी का, वो ये था कि इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है इंडिया में, छोटी इंडस्ट्रीज है, उनको बड़ी इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्ट करना। तो इसके लिए क्या किया था गवर्नमेंट ने, क्या किया कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही मैन्युफैक्चर कर सकती थी, उनके लिए रिजर्व कर दिए। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना चाहती थी तो उसके लिए उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी था। सो पहला ऑब्जेक्टिव था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना।
सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज रेगुलेटिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, की जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, उनकी लोकेशन को रेगुलेट करना, ऐसा ना हो कि जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज है वो अर्बन एरिया तक ही सीमित रह जाए, लिमिटेड रह जाए, बल्कि जो रूरल एरियाज है, जो बैकवर्ड रीजन्स है कंट्री के, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो. इसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स लेके आई इन द फॉर्म ऑफ वाटर सब्सिडीज एंड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज. देन थर्ड ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंश्योरिंग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, कि ये इंश्योर करना कि जो इंडिया है उसके हर रीजन में बैलेंस डेवलपमेंट हो, सब जगह जो है बैलेंस डेवलपमेंट हो. देन फोर्थ ऑब्जेक्टिव वॉज कंट्रोल ऑफ मोनोपलीज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. फोर्थ ऑब्जेक्टिव था इस पॉलिसी का कि इंडिया में इंडस्ट्रीज की मोनोपली को कंट्रोल करना, और जो वेल्थ है उसका कुछ ही लोगों के हाथों में आने, उसको कुछ ही लोगों के हाथों में आने से रोकता है. इसके लिए जो बड़ी एंटरप्राइजेस थी, जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनकी एंट्री को, उनकी एक्सपेंशन को इस लाइसेंसिंग के थ्रू गवर्नमेंट जो थी वो रेगुलेट करती थी. देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हैं इंडिया में उनको कंजर्व करके रखना है, उनको प्रिजर्व करके रखना है. इसलिए क्या था कि जब भी कोई बड़ी इंडस्ट्री मशीनरी की इंपोर्ट के लिए या टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करती थी, तो ये जो लाइसेंसिंग कमेटी थी इस बात की जांच करती थी कि क्या सच में ही ऐसी मशीनरी या टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है और क्या ये डोमेस्टिकली अवेलेबल हो सकती है. तो इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रोटेक्ट किया जाता था कि हमारा जो इंपोर्ट के थ्रू हम जो टेक्नोलॉजी मंगवा रहे हैं या मशीनरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके कारण हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बाहर ना चला जाए. तो इस तरह से इंडिजिनियस जो टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनियस जो नॉलेज है, जो डोमेस्टिक नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, उसको भी प्रमोट करना जो था वो इस लाइसेंसिंग सिस्टम का, लाइसेंसिंग पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था. द नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी, तो वो इंडस्ट्रीज जो कि ज़्यादा वर्क फोर्स जो थी वो एब्जॉर्ब करती थी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती थी, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को जो थी जो है लाइसेंस दिया जाता था. तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी ऑब्जेक्टिव था इस लाइसेंसिंग सिस्टम में. सो ओवरऑल देखा जाए तो जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी इसका एम था कि इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना और इंडिया में इक्विटेबल ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके आना. नेक्स्ट इज कंपल्शन ऑफ लाइसेंसिंग. एज पर द लाइसेंसिंग पॉलिसी इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन लाइसेंस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. सो फर्स्ट वन इज फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स. अगर कोई न्यू कमर है, कोई नया एंटरप्राइज प्रन्योर है, वो इंडस्ट्री सेट करना चाहता है इंडिया में, तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना जरूरी था गवर्नमेंट से. देन सेकेंड वन इज फॉर एक्सपेंशन. अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, कोई यूनिट है, वो एक्सपेंड करना चाहता है, नया यूनिट स्टेप सेटअप करना चाहता है, तो इस एक्सपेंशन के लिए भी लाइसेंस की उसको जरूरत थी. देन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स. अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट अपनी लोकेशन चेंज करना चाहता था, एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना चाहता था, तो अगर वो जिस लोकेशन पे जा रहा है वहाँ की जो पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो इस केस में उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी था. देन फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखे थे, अगर कोई इंडस्ट्री वैसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना चाहती है, प्रोड्यूस करना चाहती है, तो उसके लिए भी उनको लाइसेंस लेना जरूरी था. देन रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट. सो जो इंडस्ट्रियल यूनिट इस लाइसेंसिंग पॉलिसी से पहले की एग्जिस्टेंस में है, तो उनके लिए भी ये जरूरी हो गया था कि उनको अंडर लाइसेंसिंग सिस्टम अपने आप को रजिस्टर करवाना है. नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइसेंसिंग. बहुत सारी लाइसेंसिंग सिस्टम पे बहुत सारी स्टडीज हुई, बहुत सारी कमिटीज बनी, विच पॉइंटेड आउट दैट लाइसेंसिंग सिस्टम इज कंप्लीटली फेल्ड टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव. इवन इन मोस्ट ऑफ द केसेस द रिजल्ट्स वर जस्ट ऑपोजिट एज द गवर्नमेंट हैड प्लान्ड. सो
इसके कारण इसका बहुत जो सिस्टम था, इसका पॉलिसी थी, इसको क्रिटिसाइज किया गया। तो जैसे कि फर्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, तो ये कहा गया कि जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया है, जो लाइसेंस लेने का प्रोसेस है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण जो नए एंटरप्रेन्योर थे, जो न्यू जो न्यू कमर्स थे, वो डिस्करेज हुए, और जिसने अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट किया। देन नेक्स्ट वन इज स्टिफलिंग कॉम्पिटिशन। सो जो ये लाइसेंसिंग पॉलिसी आई, जो ये लाइसेंसिंग सिस्टम आया, इसने कॉम्पिटिशन को ख़त्म कर दिया। जो लाइसेंसिंग कमेटी थी, मोस्टली उन्हीं लोगों को लाइसेंस प्रोवाइड कर रही थी जो कि पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, इन्फ्लुएंशियल थे, या जो जो बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी। सो इसके कारण क्या हुआ कि कंपटीशन जो था वो ख़त्म हो गया, और इनएफिशिएंसी बढ़ गई मार्केट में, प्रोडक्ट की प्राइसेस हाई हो गई, और जो कंज्यूमर के पास चॉइसेस थी, प्रोडक्ट चॉइसेस थी, वो भी लिमिटेड हो गई, क्योंकि इन जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, इनकी मोनोपोली स्टार्ट हो गई थी। देन बैरियर्स टू एंट्री। सो ये जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस था लाइसेंस लेने का, ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट इसमें रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, जिसके कारण जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स थे वो नहीं आ रहे थे, उनकी एंट्री उनको मार्केट में आने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। सो दिस अल्टीमेटली रिस्ट्रिक्टेड इनोवेशन एंड डायनामिज्म इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एज एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैड लिटिल इंसेंटिव टू इम्प्रूव और इनोवेट इन द एब्सेंस ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर थे, उनके पास ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए या उसमें कोई इनोवेशन लाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि उनकी मोनोपोली चल रही है, और वो जैसा भी प्रोडक्ट बेचेंगे, जिस भी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचेंगे लोग वही प्रोडक्ट लेंगे। देन नेक्स्ट इज डिस्करेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो ये जो रिस्ट्रिक्टिव नेचर था लाइसेंसिंग पॉलिसी का, इसने पोटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिस्करेज किया। सो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आना चाहती थी, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती थी, वो इन रूल्स, जो ये कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, इसके कारण वो जो थे वो काफ़ी डिस्करेज हुए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से। देन इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सो एज वोटेड बाय द दत्त कमेटी, द फोर इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस पॉलिसी। सो ये केवल चार ऐसी स्टेट्स थी जिसको कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से फायदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इन द डेकेड ऑफ 1955 to 65, दी स्टेट्स अकाउंटेड फॉर 59.3% ऑफ द एप्लीकेशन एंड 62.42% ऑफ द लाइसेंस अप्रूव्ड। ऑन द अदर हैंड, द पुअर स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश रिसीव्ड ओनली 15.5% ऑफ द टोटल लाइसेंस अप्रूव। तो इस तरह से, जैसे कि ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था, कि ऑब्जेक्टिव था कि इक्वल रीजनल डेवलपमेंट होगा, हो, ये ऑब्जेक्टिव था लाइसेंसिंग पॉलिसी का, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि जो चार स्टेट थी, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, इन्हीं को ज़्यादा जो थे वो लाइसेंस दिए गए, इन्हीं में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उस टाइम पीरियड पे। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसी जो स्टेट्स थी, यहाँ पे कम जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। सो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो हुआ इकोनॉमी में। सो ओवरऑल, द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया वॉज वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर इम्पेंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टिफलिंग कॉम्पिटिशन एंड इनोवेशन, फोस्टरिंग इनएफिशियंसी एंड करप्शन, एंड हैम्परिंग द कंट्रीज अबिलिटी टू इंटीग्रेट इन टू द ग्लोबल इकोनॉमी। सो दिस क्रिटिसिज्म अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिसमेंटलिंग ऑफ द लाइसेंस रिजीम एंड द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन द अर्ली 1990s. सो इस इन क्रिटिसिज्म के कारण जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी इंडिया में, उसको ख़त्म किया गया जब ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई। डी लाइसेंसिंग ऑफ द इंडस्ट्री। सो जब डी लाइसेंस किया गया सिस्टम को, तो उस समय 18 इंडस्ट्रीज जो थी वो केवल लाइसेंस के लिए रखी गई, मतलब बाकी सब इंडस्ट्रीज को डी लाइसेंस कर दिया गया, उनमें उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। बट
धीरे धीरे आज के टाइम पे केवल 4-5 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। ये इंडस्ट्रीज है एरोस्पेस एंड डिफेंस रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, गन पाउडर, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड डेटोनेटिंग फ्यूज, डेंजरस केमिकल्स, टोबैको, सिगरेट्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, देन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। सो बिकॉज ऑफ द हजार्डियस नेचर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंटल मेंटल कंसर्न एंड हेल्थ एंड सोशल कंसर्न, दैट सम इंडस्ट्रीज आर स्टिल सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन, हेल्थ के कारण और की हजार्डियस नेचर के कारण, इन्वायरमेंटल इश्यूज के कारण, ये ऐसी 5 इंडस्ट्रीज है जिसमें कि अभी लाइसेंस की जरूरत है। बाकी सब इंडस्ट्रीज को 1991 की पॉलिसी में डी लाइसेंस कर दिया गया। सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।